आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जब किसी राज्य या देश में चुनावी माहौल होता है तो ऐसे में कभी कभी राजनेता कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि सियासी माहौल हो और एक राज्य के मुख्यमंत्री की रैली होने वाली हो, लोग सोच रहे हो कि अब तो अपनी समस्याएं सुनाएंगे, उनके सीएम उनके दुख को समझेंगे, उनको दिलासा देंगे, लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर मंच पर भोजपुरी गाने का तड़का लग जाए, वो भी अश्लील डांस के साथ, तो क्या होगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को मुंबई में कई जनसभाएं की। उन्होंने कुर्ला में पार्टी के कैंडिडेट मंगेश कुडालकर के समर्थन में जनसभा की और अपनी पार्टी के आगाज यानी कि चुनावी आगाज का नारियल भी फोड़ा। लेकिन इसमें भोजपुरी डांस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में कुर्ला की राजनीतिक हवा इस बार कुछ अलग लग रही है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के गाने कमरिया लॉलीपॉप पर मंगेश कुडालकर की सभा में हुए डांस ने न केवल सियासी हलचल मचाई है बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि ऐसा होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुर्ला की सभा के बाद फेसबुक पर लिखा था कि फिर कुर्ला विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहनों से आग्रह है कि मंगेश को प्रचंड बहुमत से जिताए। अब लोग कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही सीएम शिंदे को ये समझने में थोड़ी देर हो रही है कि उनकी सरकार के लिए डांस बड़ा सिरदर्द बन सकता है। जब मुख्यमंत्री शिंदे ने कुर्ला में अपनी रैली की तो उन्हें ये उम्मीद थी कि वो लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण पर जोर देकर मतदाताओं का दिल जीत लेंगे। लेकिन जब मंच पर अश्लील डांस की खबरें आई तो विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत अब उन्हीं की सरकार पर लागू होती नजर आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही उनका नेतृत्व है, ज्यादा सस्ती लोकप्रियता और कम गंभीरता। मंगेश कुडालकर जो पहले से कुर्ला के विधायक रहे हैं एक बार फिर चुनावी मैदान है, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इस बार उनकी लड़ाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार से, इसे हम शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई भी कह सकते हैं। शिंदे की सरकार को ये सोचना चाहिए कि दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। सवाल ये भी है कि क्या उन्हें लगता है कि कुडालकर की ये हरकतें उन्हें फायदा पहुंचाएगी। वहीं देखा जाए तो महायुति ने एक तरफा रुख अपना लिया है, लेकिन अगर रैली में डांस की यही धुन चली तो उनका पत्ता कटना लगभग तय है। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासी खेल में कौन बाजी मारता है, खेल खात में पैसा हजम या जो जीतेगा वही सिकंदर। ये चुनावी तय होगा कि नहीं चुनाव में ये बड़ा सवाल है, यानी कि असली खिलाड़ी कौन होगा महाराष्ट्र के चुनाव में ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या शिंदे का ये राजनीतिक नाटक उन्हें कोई फायदा पहुंचाएगा या फिर जितनी चादर उतना पैर फैलाना की कहावत उनके लिए एक सबक बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार कुर्ला के मतदाता सच्चाई को पहचानने में कोई गलती शायद नहीं करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।